हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रकार के भोजन में कोई ना कोई स्वाद अवश्य होता है। ये स्वाद या खट्टे, मीठे या नमकीन होते हैं। भोजन में खट्टेपन का स्वाद उसमें एसिड की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि भोजन का नमकीन स्वाद उसमें उपस्थित सॉल्ट के कारण होता है। कोल्ड ड्रिंक्स का बीटर यानी तीखा स्वाद बेस के कारण होता है। मीन्स भोजन का जो डिफरेंट डिफरेंट स्वाद है उसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट की उपस्थिति के कारण ही होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड यानी अम्ल की। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे एंड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल, नींबू, दही, इमली, कच्चे फल एट्सेट्रा, ये प्राकृतिक एसिड हैं। जबकि जो लैब में होते हैं वो एसिड हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल हम सभी खाते हैं, चाउमीन में जो सिरका पड़ता है वो इथेनोइक अम्ल होता है। चाउमीन में जो सिरका डालते हैं वो इथेनोइक अम्ल होता है उसमें। एसिड जो होते हैं, एसिड ऐसे यौगिक हैं जो जल में, वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं यानी आयनाइज हो जाते हैं एंड एच प्लस आयन देते हैं। अब हम बात करते हैं बेस यानी क्षारक की। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल, आंवला, मिर्ची। तो आंवला, मिर्ची ये प्राकृतिक क्षारक हैं और लैब में जो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसी भी सॉल्यूशन में दोनों आयन होते हैं, लेकिन जिस आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे यदि H प्लस आयन है तो वो एसिड होगा और हाइड्रोक्साइड आयन है तो वो बेस होगा। अब हम बात करते हैं सॉल्ट, सॉल्ट यानी लवण की। जब हम अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब हम अम्ल और क्षारक को मिला देते हैं यानी अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे सॉल्ट कहते हैं। जैसे अम्ल क्षारक से मिलकर लवण एंड जल बनाता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो परिणाम स्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसे सॉल्ट कहते हैं, और इस प्रक्रम को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, बिकॉज इस अभिक्रिया में एसिड एंड बेस दोनों का ही प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब हम जानते हैं एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है यानी सूचक इंडिकेटर क्या होते हैं। तो एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर जैसा इनका नाम है वैसा ही काम होता है। ये हमको बताएंगे कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये अपने कलर से हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जैसे एक बहुत ही फेमस है लिटमस पेपर, ये आपने सुना ही होगा। लिटमस पेपर जो है एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है एंड बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। एट द एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।